लेकर भी मसरूफ हैं। हम अपने आप को हमेशा झूठी तसल्ली देते हैं कि हमारे पास वक्त है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि कहना भी ना कि मैं कल करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह कहते हुए आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है इन बेकार की चीज़ों के लिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं है किसी टीवी शो के लिए और किसी टीवी ड्रामे के लिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं है इन बेकार की चीज़ों के बारे में सोचने के। Category ke andar I'm very pleased to announce we have a winner from no other than our beloved province Balochistan, Mr. Yousaf Ajab Baloch. If you have him here, Yousaf is the founding editor in chief of the Balochistan Point, and this is one this is the first online media outlet from Balochistan, and he has more than 10 years of experience as a journalist, an author of a book called A Battlefield for Balochistan. He just got awarded for his story Child Marriage, how the childhood of girls is robbed in Balochistan. It's interesting because inhone is story mein jis pe inko award mila hai, ek kalat ki district ke upar ek story ki, Sakina naam ki ladki ki, 13 saala ladki, aur bahut bakhoobi andaaz se inhone jab isko नजर कलम किया स्टोरी को और हमारे सामने लेके आए अवाम के, तो हमें पता लगा कि सकीना जो थी, जब 13 साल की उम्र में एक दिन स्कूल की छुट्टियों के बाद तैयार होती है स्कूल जाने के लिए, तो उसको कह दिया जाता है कि ठहरो, तुम स्कूल नहीं जाओगी। तो वो अपने वालदैन से पूछती है कि क्यों। उन्होंने कहा इसलिए कि बस अब तुम्हारी शादी करने का वक्त आ गया, और जैसा कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर होता है, उनका निकाह एक 50 साल के मर्द के साथ कर दिया गया। सो दिस वाज आई थिंक अ ग्रेट एंगल दैट ही टुक। इट वाज अ वेरी पैशनेटली रिटन स्टोरी ऑन द ह्यूमन साइड एंड द डिलेमा दैट वी फेस इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन पाकिस्तान। एंड ऑल्सो प्लीज कीप इन माइंड कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द लेजिस्लेशन एंड इस्लामिक लॉज दैट प्रसिस्ट, इसी वजह से आज तक जो हमारी असेंबली के अंदर है बलोचिस्तान असेंबली में, ये बिल अभी तक पास नहीं हो सका और ये इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल इस्लामिक आइडियोलॉजी में भेजा गया है उनकी राय के लिए। बट पीसेज लाइक दिस आई थिंक हैव कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील इन रेजिंग द बार एंड अवेयरनेस। सो थैंक यू मिस्टर बलोच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। आई विल नाउ गो ऑन टू द फोर
अपनी लिस्ट बनाओ, उस वक्त को पहले ही तय कर लो कि आपने कहाँ इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज आपकी गोद में नहीं गिरने लगी और आपके पास चल के तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली, इसके लिए आपको जाना है और मेहनत करनी है, इसको हासिल करके ही छोड़ना है। वक्त मत जाया करो, हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। 24 घंटों में 18-18 घंटे काम में गुजारो। उन 18 घंटों में कुछ नया सीखो, बड़ी बड़ी तब्दीलियां लेके आओ, पुरानी हैबिट्स को तोड़ के। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आपने इस वक्त क्या करना है। आपने जो भी करना है अभी इसी वक्त उसे शुरू करो।